चलो वेलकम बैक सभी का, फिर से हार्दिक स्वागत शाम के सेशन में, शाम के सत्र में। मैच नंबर 10 यहां पर शुरू होते हुए, इसी बीच बड़ा स्ट्रोक खेला जाता है बल्लेबाज, गेंद का एज लगा था, उसी के साथ गेंद आकर सीधे पैरों पर लगी। और देखा जाए तो लकी ड्रॉस के प्राइस के कूपन यहाँ पर दर्शकों में बांट दिए जाएंगे, कौन होंगे जो 20 लकी विजेता जिनको यहाँ पर गिफ्ट दिया जाएगा। उसी के साथ देखा जाए तो क्वेश्चन आंसर रिलेटिव इस टूर्नामेंट के बारे में रहेंगे, उन विजेता को भी यहाँ पर 5 गिफ्ट दिए जाएंगे। आपको कुछ इस टूर्नामेंट के बारे में सवाल पूछे जाएंगे, अगर आपने उसका जवाब परफेक्ट दे दिया तो आपको 5 गिफ्ट दिए जाएंगे, यानी कि 5 लोगों को दिए जाएंगे। नहीं तो एक आदमी सोचा मेरे को 5 गिफ्ट मिलेंगे, ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि अलग अलग 5 आदमी को गिफ्ट दिए जाएंगे। उसी के साथ देखा जाए तो लकी ड्रॉ प्राइज यानी कि 100 कूपन बांटे जाएंगे, उसी के साथ 100 कूपन बांटेंगे। आपके कूपन में जो नंबर होगा, अगर वो नंबर सेम टू सेम नंबर हमारे पास रहेगा तो आपको भी यहाँ पर गिफ्ट दिया जाएगा। ये सिर्फ दर्शकों के लिए, दर्शकों मौका है, माहौल है, लुट लीजिए मेला। इसी बीच बैकफुट पर गए थे, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, आसानी के साथ इस गेंद को फील्ड करेंगे गेंदबाज, खिलाड़ी ने फील्ड किया था, हरीश अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी बीच ओवर की अगली गेंद तेज तर्रार गेंद थी और सिर्फ यहाँ पर गति का इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पर अच्छा स्ट्रोक था, गेंद को शायद रोकना नामुमकिन साबित हो जाएगा। गेंद निकल जाएगी बाउंड्री रन के बाद, 4 रनों के लिए फरार, बेहतरीन स्ट्रोक, 4 रन। पांचवी गेंद पर यहां पर चौका था, वह टीम का स्कोर 8। अच्छी गेंद, लीगल डिलीवरी, ओवर नंबर 1 का यहां पर खेल गया था, मतलब टीम का स्कोर, मेहरम बाग टीम का स्कोर देखा जाए तो 8 के आंकड़े पर बिना किसी नुकसान के। एमसीएल मदीना क्रिकेट लीग सीजन 8, जी हाँ, लकी ड्रॉ कूपन रखे गए हैं, 100 कूपन हो गए जिसमें से 20 विनर हो गए, तो सबको यहाँ पर कूपन दिया जाएगा, सवाल किए जाएंगे, सवालों के जवाब आपको देने, जिसका सही जवाब होगा उसको एक गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। तो सही सवालों का जवाब के लिए आप वेट कीजिएगा, रेडी रहिएगा जी। 100 कूपन है अभी, ये तमाम बच्चों के हाथों में कूपन देते हुए नजर आते हुए और सवालात करते होंगे। जी हाँ, 100 कूपन है, कूपन्स देते हुए तमाम दर्शक यहां पर मौजूद है, एक काफी अच्छा दर्शकों को रोकने वाला है। ओके, तो इस बीच एक कूपन दिया गया है, अब सवाल करूंगा, अगर सवाल का सही जवाब होगा तो आपको एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। एमसीएल मदीना क्रिकेट लीग में कौन से बैट्समैन ने 50 लगाई है? 50 वसीम भाई, वसीम भाई इन्होंने 50 लगाई है और कूपन इनको मिलता हुआ। और उसके बाद फिर हम जाएंगे एक सवाल के पास, काफी इंटरेस्टेड लग रहे हो, आप ही से पूछना पड़ेगा, कौन से बैट्समैन ऐसे हैं जो 49 पर आउट हुए? सलमान। ये सही जवाब है, मदीना 11 के सलमान ये 49 पर आउट हुए हैं। और इस उसके बाद फिर
उसके बाद हम थोड़ा आगे आगे चलेंगे, बड़ों से भी सवाल किया जाएगा। यहाँ पर ठीक है ठीक है। सो पहला सवाल इन्हीं से पूछूंगा। हाँ अगर ये सवाल का सही जवाब होता है, सवाल करूंगा, हाथ उठाना है जिसको जवाब मालूम है। तो सवाल कुछ इस तरह है, विच टीम वन द टाइटल ऑफ सीजन थ्री, विच टीम वन द टाइटल ऑफ सीजन थ्री। सही जवाब मदीना इलेवन, और इन्हें गिफ्ट हैंपर दिया जाता हुआ। जी हाँ, यस, इस सवाल का जवाब गुलशन बॉयज वर्सा के, यार काफी अच्छा नॉलेज है आपका, सीजन थ्री कौन जीता मदीना इलेवन, ये सही जवाब है और इनके पास ये गिफ्ट टाइम पर जाता हुआ। जी हाँ, पहला सवाल किया गया, सवाल का पहला ही जवाब सही दिया गया, और उसके बाद हम बाउंड्री लाइन के अंदर रहना है। 100 कूपन है जिसमें से 20 विनर हो गए, और कुछ सवाल हम बड़े लोगों से भी पूछेंगे जो हमारे बाउंड्री लाइन के अंदर रह के, जितने भी लोग बाउंड्री लाइन के बाहर रहेंगे उनसे ही सवाल किया जाएगा। ओके, तो उसके बाद ठीक है, अगर सही सवाल का जवाब देते हो तो आपको एक कूपन मिलेगा। जिसको सही सवाल का जवाब पता है वो हाथ उठाना है। ओके, पठानवाड़ी ने अपना पहला मैच जीता या हारा? एक एक जवाब देना है। जय दर्शकों को रोकने वाला ये प्रयास करते हुए, जितने भी लोग बाउंड्री लाइन के बाहर रहेंगे उनके सवाल का जवाब मिलेगा और उन्हीं को कूपन दिया जाएगा। 20 विजेता हो गए, 20 विनर हो गए। और इसके बाद और एक सवाल करने वाले हैं। उस्मान ने लास्ट मैच में, मुंबई सेंट्रल के उस्मान ने लास्ट मैच में 2 ओवर में कितने रन खर्च किए थे? और उनके टीम मेंबर को नहीं होगा ये, यानी जो दर्शक आते हुए नजरें खोल के मैच देखते हुए किसने क्या किया क्या नहीं किया सब पता है इन्हें, और ये सवालों के जवाब इनको हमने नहीं बताया, ये अपने मन से देते और सही जवाब देते हुए नजर आते हुए 44 ये सही जवाब है। ये लकी ड्रॉ, ये मैच नंबर 10 चलता हुआ उसके बीच में ये लकी ड्रॉ के कूपन दिए जाते हुए 100 कूपन है जिसमें से 20 लकी विनर कहलाए गए। जी हाँ, और 5 ऐसे गिफ्ट्स हैं। इस बीच अब ये सवाल ऐसा है, एक ही सवाल, मेरे सवाल पूछने के बाद सिर्फ हाथ उठाना, जवाब नहीं देना है। ओके, अब मैं आपसे पूछूंगा कि रामनगर, रामनगर की टीम के जर्सी का कलर कौन सा है? मैंने पहले ही कहा था, पहले सवाल से पहले जवाब नहीं देना है, आपके पास मौका था, मौका हाथ से गया है, उसके बाद फिर हम जाएंगे। अब यहां पर सवाल, बड़ा सवाल है, गिफ्ट वाला सवाल है, जो सही जवाब देगा, जो सही जवाब देगा उसे डायरेक्ट गिफ्ट हैंपर दिया जाएगा। तो उसके लिए शांत रहना है, गिफ्ट मिलने वाला है, सही सवाल सुनना है, सवाल का जवाब पहले सवाल सुन लो, पहले सवाल सुन लो, पहले सवाल सुन लो।
और सवाल के बाद मैं पहले सवाल करूंगा, पहले ठीक है सवाल पूछ रहा हूं मैं। पहले एक लड़के को खड़ा करो, अगर उसको जवाब नहीं आता तो कोई भी है। सवाल के पहले जवाब नहीं देना है, सवाल के पहले जवाब नहीं देना है, ओके सब खामोश रहना है। अगर जवाब आया तो सवाल कैंसिल है। हाँ सवाल के पहले जवाब नहीं आना है। कौन से सीजन से MCL डे नाइट ऑर्गेनाइज करने लगे? गलत जवाब, और एक क्वेश्चन यहां पर खत्म होता है। तीसरे सीजन से स्टार्ट किया गया था, ये मौका आपके हाथ में था, ये मौका आप हाथ से गया है। तीसरे सीजन से डे नाइट टूर्नामेंट यहां पर ऑर्गेनाइज करते हुए आठवां सीजन चलता हुआ, और अभी कूपन वाला सवाल होगा। और इसके भी इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, वो कूपन के लिए क्वेश्चन होगा, कूपन के लिए। और मैं आज के दिन का जवाब पहले नहीं देना है, आज के दिन का दूसरा मैच कौन सा था? टीम वाला कोई नहीं बोलेगा। आज के दिन का दूसरा मैच कौन सा था? जो सही जवाब देगा उसे कूपन मिलेगा। आज के दिन का दूसरा मैच कौन सा था? तीन ओवर के बाद टीम का स्कोर 17। तीन ओवर का यहां से खेल खत्म हो चुका है, टीम का स्कोर 17 के आंकड़े पर। गलत जवाब, फिर एक बार आपके हाथ में मौका था, ये मौका आपके हाथ से गया है। अब फिर एक बार कूपन का सवाल किया जाएगा। एक सवाल किया जाएगा यहां पर, ये कूपन अगर आप सही जवाब देते हो, तीन ओवर के बाद 17 रन। आज के दिन का सवाल से पहले जवाब नहीं देना है। आज के दिन का चौथा मैच किसका हुआ? 10 सेकेंड है आपके पास। सही जवाब, यहां पर एक कूपन दिया जाएगा। या सही जवाब, एक कूपन 20 लकी विजेता लकी विनर सही जवाबों के सही सवालों के अगर सही जवाब देते तो आपको यहां पर दिया जाएगा। बाउंड्री लाइन के अंदर जो भी हो गया उनसे सवाल किया जाएगा। फिर एक बार अब यहां पर बैठे हैं तो इनके साथ हम भी बैठेंगे और एक सवाल करेंगे, और सवाल का जवाब भी बेहतरीन होगा। और अब यहां पर सवाल गिफ्ट हैम्पर मिलने वाला है, आपको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। ये सवाल पे आपको कूपन नहीं, डायरेक्ट गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। 5 ऐसे विजेता एक ही बार के पास। यस कौन सी ऐसी दो टीम है जिसने दो दो बार MCL जीता है? ये सर बता दो सही जवाब। यहां पर गिफ्ट टाइम पर दिया जाएगा सही जवाब। तो ये दर्शक है हमारे, और इन्हें जाता हुआ ये गिफ्ट टाइम पर यहां पर ये सही जवाब गिफ्ट टाइम पर दिया जाता हुआ। जी हाँ, ये ऐसे क्रिकेट प्रेमी है, क्रिकेट को त्यौहार की तरह मनाया जाता हुआ पहले ही क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन का सही जवाब देते हुए नजर आते हुए जा कूपन है वहां पब्लिक आती हुई। अब यहां पर एक सवाल कूपन के लिए सवाल होगा।
ओके सवाल से पहले जवाब नहीं देना है। आज के दिन का तीसरा मैच कौन सा है ये कूपन के लिए? ओके 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 गलत जवाब। ये मौका आपके हाथ में बना था और एक गलत जवाब। चलो ये मौका आपके हाथ में बना था, मौका बहुत छोटा शब्द है, उतने ही समय के लिए आता है। अब बच्चों नहीं आना है। चौथे ओवर की आखिरी गेंद का खेलाना बाकी, टीम का स्कोर 24 आंकड़े पर 3 विकेट के नुकसान पर। इस मरतबा ऑफ साइड में गेंद को ढकेल दिया, बेहतर स्ट्रोक, गेंद निकल जाएगी पीछे खिलाड़ी तैनात है। एक रन तो कंप्लीट हुआ, दूसरे की मांग है, दो रन भी यहाँ पर आसानी के साथ कंप्लीट किए जाएंगे। ओवर नंबर 4 का यहाँ पर खेल खत्म होता हुआ, टीम का स्कोर 26 के आंकड़े पर। चार ओवर के बाद टीम का स्कोर 26-26। मदीना 11 और मोमिन 11 टीम के कप्तान आ जाइए आप टॉस के लिए। इसी बीच फुल टॉस गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद के पीछे नीचे खिलाड़ी थे, कैच ड्रॉप होता हुआ, दूसरा रन लेने का यहाँ पर सुनहरा अवसर। दो रन यहाँ पर आसानी के साथ दिए जाएंगे, दो के साथ यहाँ पर स्कोर बढ़ेगा, जाकर पहुंचेगा 28 के आंकड़े पर। मदीना 11 टीम के कप्तान और उनके साथ देखा जाए तो नेक्स्ट मैच होने वाला है मोमिन नगर, दोनों टीम के कप्तान आ जाए टॉस के लिए।
अरे जीतेगा भाई जीतेगा। अभी नहीं, अरे मुझको मैच भी तो देखनी है। चलिए दो के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर बढ़ जाएगा, जाकर पहुंचेगा 31 के आंकड़े पर। ओवर नंबर 5 यहाँ पर चलता हुआ, 4.3 ओवर का यहाँ पर खेल खत्म हो चुका है, यानी कि पांचवा ओवर चल रहा है। 6 ओवर का मुकाबला, अभयरम बग टीम यहाँ पर बल्लेबाजी करे, लेकिन ना कुल मिलाकर टीम में ना 31 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। अभी तक अच्छी गेंदबाजी हुई है गेंदबाजों ने, सलमान पटेल अच्छी गेंदबाजी की, कुल मिलाकर 7 रन खर्च करके 2 विकेट। चलिए मोमिन अगर टीम के कप्तान, मोमिन स्ट्राइकर्स टीम के कप्तान, उनसे निवेदन है कि आप टॉस के लिए आ जाइए। मोमिन स्ट्राइकर्स टीम के कप्तान, मोमिन स्ट्राइकर टीम के कप्तान, प्लेइंग 11 के साथ आपको आना है। ओके, अभी एक क्वेश्चन होगा, कूपन के लिए क्वेश्चन होगा, तो सवाल पूछने से पहले जवाब नहीं देना है, सवाल का जवाब जब मैं बोलूंगा तभी जवाब देना है। तो कूपन के लिए क्वेश्चन होगा, ठीक है। एमसीएल सीजन 4 का 2019 का बेस्ट बैट्समैन कौन है? मौका बना था, वो मौका हाथ से गया है। और यहां पर हमारे दर्शकों के बीच जाएंगे, पांच सेकंड का टाइम होगा क्वेश्चन के बाद, 5 सेकंड का टाइम होगा। अगर कोई जवाब डबल देता है तो फिर उसे गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन गिफ्ट हैम्पर के लिए है, 5 लकी गिफ्ट हैम्पर। क्वेश्चन, 5 सेकंड का टाइम, टाइम सलमान भाई, एमसीएल सीजन 3 का कौन था? सीजन 3 मेंशन किया, की बार पूछना है। So, एक क्वेश्चन होगा कूपन के लिए, क्वेश्चन होगा, जिसको जवाब पता होगा हाथ उठाएगा, और जिस पे मैं जिसको बोलूंगा वही जवाब देगा। दिन का तीसरा मैच किसका हुआ? ठीक है, तुम बोलो। हो गया, पास दिया गया था, 5 सेकंड का टाइम था, वो टाइम हाथ से गया कूपन का। कॉल फिर एक बार, कूपन के लिए क्वेश्चन, सवाल ये गिफ्ट हैम्पर के लिए सवाल है, अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। एमसीएल में कौन सी ऐसी टीम है मदीना 11 को छोड़कर जो हर सीजन खेली है? टाइम स्टार्ट। गलत जवाब,
मौका बना था, मौका हाथ से फिर एक बार गया है। सही जवाब के लिए गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है और एक काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया एम सी एल ने मदीना क्रिकेट लीग सीजन 8 देखते हुए आप सब और सिर्फ दर्शकों के लिए खिलाड़ियों के लिए। 5.3 ओवर के बाद टीम का स्कोर 48 चार विकेट के नुकसान पर, 48 रन बने चार विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर आखिरी ओवर चल रहा है, अभी भी इस इनिंग में तीन गेंदें आने बाकी है। इसी बीच पैरों के बीच में डालने गेंद का प्रयास कर रहे थे, वाइड का इशारा, वाइड के साथ स्कोर बढ़ेगा 49। ओके सवाल होगा, 5 सेकंड का टाइम मिलेगा गिफ्ट हैम्पर के लिए, ये सवाल होगा 5 सेकंड के अंदर आपको ये जवाब देना है। ठीक है शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत शुरुआती से करते हैं। एमसीएल सीज़न कौन बेस्ट बैट्समैन था, टाइम स्टार्ट नाउ। गलत जवाब, मोमिन नगर और मदीना 11 टीम के कप्तान आज टॉस के लिए, मोमिन नगर और मदीना 11 टीम के कप्तान टॉस के लिए आज। एक बार अगर गलत जवाब आता है तो दूसरा नहीं मिलेगा। टीम का स्कोर 50 के आंकड़े पर जाकर पहुंचता हुआ, अभी भी दो गेंदों का खेल आना बाकी है। भैरव भक्त टीम यहाँ पर बल्लेबाजी कर रही है, टीम का स्कोर 50 के आंकड़े पर चार विकेट के नुकसान पर, अभी भी दो गेंदें बची है। और देखा जाए तो यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कर यहाँ पर डगआउट के रूप में बल्लेबाज जाते हुए मोहम्मद जैद, कुल मिलाकर देखा जाए तो उनके बल्ले से एक सिक्सर, एक चौका, एक दुक्का, एक सिंगल, 13 रन बनाकर यहाँ पर आउट होते हुए डगआउट के रूप में आते हुए। आखिरी की दो गेंदें बची है, टीम का स्कोर 50 पांच विकेट के नुकसान पर। इसी बीच सामने की दिशा में बेहतरीन स्ट्रोक है, गेंद के पीछे खिलाड़ी थे, बन कर जाएंगे दर्शक, गेंद निकल जाएगी बाउंड्री के बाहर, चार रनों के लिए फरार। सिर्फ इनके लिए सवाल है, गिफ्ट हैम्पर के लिए सवाल होगा, कौन सी ऐसी टीम है जो हर सीजन में अब तक फाइनल में नहीं पहुंच पाई है, कौन सी टीम है? फुरकानिया 11। सही जवाब फुरकानिया 11, ये सही जवाब जाता है, यानी गिफ्ट हैम्पर इनको मिलता है ये सही जवाब, एक गिफ्ट हैम्पर इनके नाम। अभी भी दो गिफ्ट हैम्पर है और सवाल हमारे पास बहुत सारे हैं। ये लकी विजेता यहाँ पर 3 गिफ्ट हैम्पर मिल चुके हैं, अभी भी हमारे पास 2 गिफ्ट हैम्पर्स हैं। 56 रन बने, 57 का यहाँ पर टारगेट दिया गया है, 57 रनों का यहाँ पर टारगेट सेट कर दिया गया। मुंबई स्ट्राइकर्स मुंबई नगर की टीम के कप्तान आपके लिए लास्ट कॉल रहेगा, हेलो। उसके बाद फिर एक बार अब हमारे जो इरफान जी हैं उनके लिए एक सवाल है गिफ्ट हैम्पर के लिए, ये सवाल है 5 सेकंड का आपके पास टाइम होगा। एमसीएल कौन से सीजन से डे नाइट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं? सीजन थ्री से। यानी ये सही जवाब 5 सेकंड के अंदर ये सही जवाब दिया गया, यानी इनको मिलेगा गिफ्ट हैम्पर सीजन 3 है सही जवाब। क्रिकेट का प्यार, ये क्रिकेट का त्यौहार, ये गिफ्ट हैम्पर जाता है इनको, यानी 4th गिफ्ट हैम्पर इरफान भाई इनके नाम जाता हुआ। सही जवाब, जी हाँ, पहले अटेम्प्ट में इन्होंने सही जवाब दिया। अब एक गिफ्ट हैम्पर हमारे पास बचा हुआ है, 5 लकी विजेता, इसमें से 4 आज खुश हो गया, आज उनके घर पे खुश होने वाले कि आज कहीं ना कहीं कुछ जीत के आया है। So, कूपन के लिए एक सवाल होगा, इस टूर्नामेंट में सबसे हाई स्कोर बनाने वाली कौन सी टीम है, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अभी तक आज के दिन में किसने हाई स्कोर बनाया है? बैरमबाग 11।
एक ही। डबल जवाब नहीं देना है, किसी एक को ही जवाब देना है। फिर एक बार हम सवाल करेंगे कूपन के लिए, कूपन के लिए सवाल यहां पर करेंगे। बैट्समैन से आपसे निवेदन रहेगा, रिक्वेस्ट है कि आप मैदान के भीतर चलिए। चलिए जल्द से जल्द बैट्समैन से आप मैदान के बीच में जाकर टीम मीटिंग करिए साथ में प्लीज। सवाल होगा, सवाल का जवाब अगर किसी को पता है तो हाथ उठाएगा। सवाल पूछते साथ किसी ने जवाब नहीं देगा, पांच सेकंड का आपके पास टाइम होगा। MCL में ऐसे कौन से दो टीम है जो फाइनल का खिताब जीत चुके हैं? चलो आप ही बताओ। बैरमबाग और मोमिन स्ट्राइकर्स। गलत जवाब, ये मौका बना था और ये गलत जवाब गिफ्ट हैम्पर के लिए ये सवाल था और सवाल का गलत जवाब आता हुआ। इसके बाद टीम के लिए इस बीच ये लकी ड्रॉ का ये गिफ्ट हैम्पर का ये आखिरी सवाल है। प्लेयर्स के लिए नहीं है, सिर्फ दर्शकों के लिए है। आज तक जितने भी टूर्नामेंट जितने भी सीजन हुए, आज ये सीजन 8 देखते हुए सबसे ज्यादा कौन से बल्लेबाज ने सिक्स लगाए हैं? डबल, हाथ उठाना था और जवाब देना था, फिर एक बार मौका हाथ से गया है। हमारा कैमरामैन बखूबी अपना काम करते हुए नजर आते हुए एक बेहतरीन कैमरा वर्क नजर आता हुआ। चलिए मैदान की तरफ हम रुक करते हैं, गेंदबाज गेंदबाजी पर तैयार होते हुए। इसी बीच सामने की दिशा में बेहतरीन स्ट्रोक, खिलाड़ी तैनात है, खिलाड़ी बन के रह जाएंगे दर्शक। दर्शनी स्ट्रोक 6 रन, मैक्सिमम सिक्सर छक्का। हुजीफा के बल्ले से बेहतरीन करकराता हुआ सिक्सर, 6 रन, स्टैंड एंड डिलीवर शॉट, गगन चुम्बी छक्का। हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने जो दर्शक है उनसे निवेदन रहेगा कि आप बैठ जाइए प्लीज,
कृपा करके आप बैठ जाइए, हटिए मत वहां से, बैठ जाइए, बैठेंगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अंपायर सर आप मैच को कंटिन्यू करते रहिए। चलिए नया बॉल दिया जाएगा क्योंकि पावर प्ले का यहाँ पर खेल चलता हुआ। चलिए मैदान के बीच में चलते हैं। इसी बीच फिर से बेहतरीन स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी तैनात है, खिलाड़ी बन के रह जाएंगे दर्शक। दर्शनी स्ट्रोक, गेंद शायद स्टॉप होती हुई, गेंद को रोक दिया यहाँ पर, दूसरे की तलाश थी। दो रन यहाँ पर आसानी के साथ मिल जाएंगे, दो के साथ स्कोर बढ़ जाएगा, स्कोर जाकर पहुंचेगा 8 के आंकड़े पर। इस बे रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ जाएगा। इसी बीच फुल टॉस गेंद दी, गेंद का मोड़ दिया, गेंद शायद निकल जाएगी माउंड रन के बाहर। 4 रनों के लिए फरार, मिलेंगे रन 4 तभी तो बेड़ा होगा पार। इसी बीच फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद कहाँ गई हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर शायद 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा, 1 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ जाएगा, जाकर पहुंचेगा 9 के आंकड़े पर। माफ कीजिए, स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ, टीम का स्कोर जाकर पहुंचेगा 13 के आंकड़े पर जाकर पहुंचता हुआ। माफ कीजिए क्योंकि एक बाउंड्री काउंट हुई नहीं थी, उसी के साथ यहाँ पर काउंट किया जाएगा। कमेटी मेंबर से निवेदन है कि हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने जो कोई दर्शक उन सबको हटा दीजिए प्लीज। नहीं भाई, अगर आप हमें सुन पा रहे तो प्लीज सबको हटा दीजिए, सबको सामने से प्लीज, सबको हटा दीजिए प्लीज सामने से। ओवर नंबर 2 शुरू होता हुआ, इसी बीच चार कर लेती थी, गेंद थी आसानी के साथ इस गेंद को खेल कर निकाला, दूसरे की तलाश है, मना कर दिया एंड मोमेंट पर। 1 ही रन मिल जाएगा यहाँ पर, 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ जाएगा, जाकर पहुंचेगा 14 के आंकड़े पर। सहल ऑन स्ट्राइक थे। मोहम्मद जैद आए गेंदबाजी पर। इसी बीच फिर से बेहतर स्ट्रोक है, गेंद के पीछे खिलाड़ी भाग रहे, लेकिन शायद इस गेंद को रोकना नामुमकिन साबित हो जाएगा। गेंद निकल जाएगी माउंड रन के बाहर, 4 रनों के लिए फरार, बेहतरीन स्ट्रोक, करकराता हुआ चौका। और इसी बीच विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर, मोहम्मद जैद के खाते में यहाँ पर सफलता मिलती हुई।
मोहम्मद जैद अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी हुई इस ओवर में। इसी बीच बड़ा स्लो खेलने का प्रयास और शायद गेंद के पीछे नीचे खिलाड़ी आसानी के साथ यहां पर कैच लपका जाएगा। विकेट का बदन इब्राहिम आए इब्राहिम गए, विकेट का बदन मोहम्मद जैद के खाते में। अपार सफलता, दूसरी सफलता इस ओवर की। एक्शन रिप्ले में देखिए, बेहतरीन स्ट्रोक था लेकिन सीधे खिलाड़ी को वहां पर ढूंढ कर निकाला, उसी के कारण वहां पर विकेट का पतन हुआ। नए बल्लेबाज साबिल आए बल्लेबाजी करने के लिए और देखा जाए तो मोहम्मद मोहम्मद ऑन हैट्रिक, हैट्रिक लेने का मौका है, विकेट हैट्रिक का चांस मोहम्मद के लिए बन चुका है। मोहम्मद ऑन हैट्रिक, ये लीजिए हैट्रिक गेंद। अभी तक देखा जाए तो सीजन एट में अभी तक कोई गेंदबाज हैट्रिक कंप्लीट नहीं कर पाया है। बल्लेबाजों ने यहाँ पर सिक्सेस की हैट्रिक कंप्लीट कर ली लेकिन गेंदबाजों को यहाँ पर मौका नहीं मिल रहा है। एक के साथ टीम का स्कोर बढ़ जाएगा, जाकर पहुंचेगा 19 के आंकड़े पर। आखिरी गेंद का खेल आना बाकी है मोहम्मद के ओवर का। इस ओवर में देखा जाए तो मोहम्मद ने 5 गेंद डाली, 6 रन खर्च किए, कुल मिलाकर 2 विकेट अपने खाते में अर्ज कर चुके हैं। बेहतरीन अभी तक गेंदबाजी हुई है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद आखिरी की गेंद लेकर मोहम्मद तैयार होते हुए, आखिरी गेंद तेज तर्रार गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी स्किड होती हुई नजर आई। ओवर नंबर 2 का यहाँ पर खेल खत्म होता हुआ, टीम का स्कोर 19 के आंकड़े पर जाकर पहुंचता हुआ। और इस ओवर में देखा जाए तो कुल मिलाकर 6 गेंदें डाली, 6 रन खर्च किए और 2 विकेट अपने नाम पर अर्ज किए मोहम्मद। इसी बीच देखा जाए तो खराब गेंद आती हुई, वाइड का इशारा था, वाइड के साथ टीम का स्कोर बढ़ेगा, जाकर पूछेगा 20 के आंकड़े पर। 20 रन बन चुके हैं। इसी बीच और की अगली गेंद, फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हो रहा है, बैक टू बैक ये दूसरी बिंदी गेंद आती हुई। अमर का जिक्र किया जाए तो अब तक अच्छी गेंदबाजी हुई है, बैक टू बैक 2 बिंदी गेंदें डाली है। टीम का स्कोर 20 के आंकड़े पर, 3 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच शरीर के ऊपर गेंद को डाला था, स्क्वायर लेग में खिलाड़ी तैनात है, आसानी के साथ इस गेंद को फील्ड किया जाएगा, जब तक कि थ्रो किया जाएगा 1 रन आसानी के साथ। इसी बीच ये भी बेहतरीन गेंद थी, बिंदी गेंद। इसी बीच अगली गेंद शरीर के ऊपर डाली थी और स्टंप्स के ऊपर से जाती हुई गेंद अंपायर सर से दर्शाते हुए यहाँ पर। अम्बार अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बिंदी गेंद आती हुई, ओवर नंबर 3 का यहाँ पर खेल खत्म होने के कगार पर है, आखिरी गेंद का खेल आना बाकी।
चलिए बिंदी गेंद आती हुई, बिंदी गेंद के साथ यहाँ पर ओवर नंबर तीन के यहाँ पर खेल खत्म होता है। टीम का स्कोर 21 के आंकड़े पर, 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में देखा जाए तो कुल मिलाकर सिर्फ 2 ही रन आए। आपके पास गेंदें बची 18, जीत के लिए 36 की जरूरत, यानी कि हर ओवर में आपको यहां से 12 रन बनाने पड़ेंगे। कंपलसरी रिक्वायर्ड रन रेट जो 12 के ऊपर जाकर पहुंचता हुआ, जिस प्रकार से देखा जाए तो सभी लॉन्ग स्ट्राइक। इसी बीच पहले गेंद बड़ा स्लो खेलना चाहते थे, बल्ले का किनारा लगा था, पीछे खिलाड़ी तैनात है, शॉट थर्ड मैन में, एक ही रन यहां पर मिल जाएगा 22 के रूप में, लेग 22 के रूप में यहां पर एक रन मिल जाएगा। मोहम्मद जैद गेंदबाजी पर है। इसी बीच ये खराब गेंद थी, वाइड का इशारा था अंपायर सरजी की तरफ से, वाइड के साथ स्कोर बढ़ेगा, जाकर पहुंचेगा 23 के आंकड़े पर। इसी बीच फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, ऑन साइड में मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है, एक रन आसानी के साथ मिल जाएगा, दूसरे की तलाश है, 2 रन यहां पर आसानी के साथ मिल जाएंगे, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 के साथ टीम का स्कोर बढ़ेगा, जाकर पहुंचेगा 25 के आंकड़े पर, 25 रन बन चुके मोहम्मद। मोहम्मद जैद गेंदबाजी पर है, अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है। पहले ओवर में देखा जाए तो कुल मिलाकर रन खर्च किए थे 6, उसके बाद इस ओवर में देखा जाए तो 4 रन अभी तक खर्च कर चुके हैं, जो कि एक बाइस का भी एक एक्स्ट्रा रन खर्च किया था, उसके बाद एक वाइट का भी है इस गेंद पर दुबका। इसी बीच और की अगली गेंद जैद की, इसी प्रकार बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद के नीचे खिलाड़ी थे, दूसरे की तरह से आसानी के साथ यहाँ पर 2 रन मिल जाएंगे, तीसरे की तरह से देखते देखते 3 रन यहाँ पर कंप्लीट किए जाएंगे, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, 3 के साथ यहाँ पर स्कोर बढ़ेगा, जाकर पहुंचेगा 28 के आंकड़े पर। वेस्टर्न यूनाइटेड टीम के लिए देखा जाए तो अभी भी इस मैच में जान बची है, गेंदे बची आपके पास 15, जीत के लिए 29 रनों की जरूरत। जब तक हुजीफा मैदान के अंदर रहेंगे तब तक मैच जीवित रहेगी वेस्टर्न यूनाइटेड टीम के लिए। इसी बीच फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद के पीछे नीचे खिलाड़ी थे, एक रन के अलावा दूसरा कुछ मिलने वाला है नहीं। मोहम्मद जैद अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, इस ओवर में देखा जाए तो सिंगल डबल के साथ भी ज्यादा रन खर्च कर चुके हैं, देखा जाए तो अभी तक कुल मिलाकर 7 रन खर्च कर चुके हैं 4 गेंदों में, अभी भी 3 गेंदों का खेल आना बाकी। टीम का स्कोर 29 के आंकड़े पर जाकर पहुंचता हुआ। इसी बीच ब्लॉक बॉल की डिलीवरी थी, आसानी के साथ इस गेंद को खेलकर निकाला, एक रन यहां पर भी मिल जाएगा, 29 में एक रन ऐड किया जाएगा, टीम का स्कोर 30 के आंकड़े पर, 3 विकेट के नुकसान पर, आखिरी गेंद का खेल आना बाकी। तेरह गेंदें बची है, जीत के लिए 27 रनों की जरूरत, गेम ऑन है, दोनों टीमों की तरफ से बराबर का यहाँ मुकाबला यहाँ पर जाता हुआ। आखिरी गेंद इस ओवर की बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, एक रन यहाँ पर आसानी के साथ मिल जाएगा, दूसरे की तरह से देखते देखते गेंद निकल जाएगी बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए फरार, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक बाउंड्री आती हुई। आखिरी गेंद पर गेंदें बची है 12, जीत के लिए 23 रनों की जरूरत।
12 गेंदें बची है, जीत के लिए 23 रनों की जरूरत। गेम ऑन, मैच ऑन, गेंदबाजी पर गेंदबाज आते हुए। मोहम्मद से पहली गेंद, फुल टॉस गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद के पीछे खिलाड़ी थे। एक रन यहां पर आसानी के साथ मिल जाएगा। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये मैच आखिरी गेंद तक जाएगा, इसमें कोई दोहरा है नहीं। स्कोर देखा, रिव्यू किया जा रहा है यहां पर, शायद दो बॉल के लिए यहां पर रिव्यू चेक किया जाएगा। अंपायर सर जी आप आ जाइए, आप देख लीजिए यहां पर मामला गंभीर है या फिर नहीं। जहां पर मामला गंभीर उधर हमारे अंपायर सर खंबीर। चलिए, लीगल डिलीवरी यहां पर अंपायर सर जी ने बता दिया है, लीगल डिलीवरी, सिंगल रन आ चुका है। सर जी को लगा था कि शायद क्लोज डिसीजन है, ये अच्छी अंपायरिंग और अच्छी सोच, क्योंकि अपने पास कैमरा है तो उसका फायदा करना जरूरी है। इसी बीच अगले गेंद बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, यहां पर भी एक रन आसानी के साथ मिल जाएगा। अलोंग द कारपेट के रूप में इस गेंद को खेलकर निकाला था, मोहम्मद सैफ गेंदबाजी पर है। एक के साथ स्कोर बढ़ेगा, जाकर पहुंचेगा 36 के आंकड़े पर, 36 रन बने। अभी भी देखा जाए तो जीत के लिए 10 गेंदों में 21 रन बनाने पड़ेंगे। इसी बीच फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे और अपने शॉट को अंजाम दे दिया जाएगा, गेंद को भेज दिया जाएगा सीधा दर्शक दीर्घा में, विदाउट टिकट हवाई यात्रा, 6 रन। नौ गेंदें बची है, जीत के लिए 15 की जरूरत। हुजैफा के बल्ले से यहां पर करकराता हुआ सिक्सर आता हुआ, गेंदें बची आपके पास दो और नौ गेंदों में जीत के लिए 15 रन की जरूरत। इसी बीच फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, अलोंग द कारपेट ऑफ साइड में इस गेंद को ढकेल दिया, एक रन आसानी के साथ मिल जाएगा। दूसरे की तलाश है लेकिन मना कर दिया, शायद निकल पड़ते तो दो रन मिल सकते थे, एक रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। आपके पास गेंदें बची है, आपके पास 8 और जीत के लिए रन बनाने पड़ेंगे 14, 8 में 14 यानी कि एक बड़ा हिट की दरकरार रहेगी यहां पर, 8 में 14 की जरूरत। सबील ऑन स्ट्राइक, इसी बीच सबील भी बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद गैप में ट्रैवल हुई, एक रन तो यहां पर आसानी के साथ मिल जाएगा। दूसरे की तलाश है, देखते देखते दो रन यहां पर आसानी के साथ कंप्लीट किए जाएंगे, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। आपके पास गेंद बची है 7 और जीत के लिए महज देखा जाए तो रन की दरकरार रहेगी 12 7 12 7 12, यानी कि दोस्तों जमीन का यहां पर कुछ मामला होता है। 7 12 किसके नाम पर यहां पर लिया जाएगा, 7 12 कौन अपने नाम पर किया जाएगा, 7 12 का समीकरण। इसी बीच बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, गेंद गैप में ट्रेवल हुई है, कम से कम यहां पर दूसरे की तलाश रहेगी। अच्छे एंड पर थ्रो आया था, दो रन यहां पर आसानी के साथ कंप्लीट किए जाएंगे। देखा जाए तो आखिरी का ओवर का खेल बचेगा, जीत के लिए 10 रनों की जरूरत। चलिए आपसे निवेदन रहेगा, आप ज्यादा वक्त मत लीजिए दोस्तों, वक्त के साथ चलिए प्लीज। अंपायर सर जी आप पर कॉल दीजिए प्लीज। 6 गेंदें बची है, जीत के लिए 10 रनों की जरूरत, यानी कि एक ओवर में 10 रनों की जरूरत रहेगी। सबील और हुजैफा देखा जाए तो अभी सेट दोनों बल्लेबाज है, गेंदबाजी पर कौन सा गेंदबाज आएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा।
गेंदबाजी पर रियाज अहमद आते हुए, रियाज अहमद पे कंधों पर यहां पर जिम्मेदारी सौंप दी है, आपको छह गेंदों में रन डिफेंड करने हैं, दस दस बस ये नहीं होते दोस्तों, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में देखा जाए तो दस रन ज्यादा होते एक ओवर में, और देखा जाए तो कम भी नहीं होते, कम भी नहीं होते ज्यादा भी नहीं होते, संतुलित यहां पर है। पहली गेंद पर सिंगल आएगा, पहली गेंद पर सिंगल आएगा तो शायद आपके पास गेंदें बची रहेगी पांच, और पांच में रन बनाने पड़ेंगे आपको जीत के लिए नौ, और देखा जाए तो पार्टनरशिप का जिक्र करेंगे, 21 बॉल में 30 रनों की पार्टनरशिप अभी तक दोनों बल्लेबाजों ने, अच्छी पार्टनरशिप चौथे विकेट के लिए यहां पर। इसी बीच बड़ा स्ट्रोक दरकरार थी, और शायद बड़ा स्ट्रोक आ गया, बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद को भेज दिया सीधा दर्शक दीर्घा में, बेहतरीन सिक्सर, छह रन आपके पास, अब गेंदें बची रहेगी चार, और जीत के लिए रनों की जरूरत दो, वेस्टर्न यूनाइटेड टीम को यहां पर जीत का सुगंध आता हुआ, दो रनों की दरकरार रहेगी जीत के लिए मैच, दो रनों की जरूरत सिर्फ। माफ कीजिए, तीन गेंदें बची है और जीत के लिए तीन रनों की जरूरत रहेगी, हमें लगा था कि शायद एक रन आया था लेकिन वहां पर एक रन आया नहीं था, उसके बाद अभी देखा जाए तो आपके पास गेंदें बची है तीन, और तीन गेंदों में आपको खुद मिलाकर तीन रन बनाने पड़ेंगे। रियाज अहमद को हम गेंदबाजी पर देख रहे हैं, पहली गेंद पर सिंगल आया, उसके बाद सिक्सर, उसके बाद डॉट, तीन गेंदें बची है, तीन की जरूरत दोस्तों, मैच ऑन है, मैच अभी यहां से बन सकता है। तीन गेंदें बची है, तीन की जरूरत। इसी बीच बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, देखा जाए तो पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है, एक रन यहां पर आसानी के साथ मिल जाएगा। और देखा जाए तो अगर टाई होएगा मैच तो यहां पर विकेट के ऊपर पूरा दारोमदार आएगा, जिस टीम ने ज्यादा विकेट गंवाई है वो जीत नहीं पाएगी, जिस टीम ने कम विकेट गंवाई है वो टीम जीत जाएगी, और मुझे यहां से पूरी तरह से देखा जाए तो वेस्टर्न यूनाइटेड टीम यहां पर पगड़ा भारी है, क्योंकि कुल मिलाकर सिर्फ तीन ही विकेट गंवाई है। विकेट काउंट किए जाएंगे, कौन सी टीम ने कितने गंवाए थे, लेकिन जब तक हुज़ैफ़ा मैदान के बीच में रहेंगे तब तक विकेट को छोड़िए, आप मैच की तरफ ध्यान दीजिए। आखिरी की दो गेंदें बची है, दो रनों की जरूरत, बेहतरीन मैच चलता हुआ यहाँ पर, वेस्टर्न यूनाइटेड टीम के खिलाफ यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन हुआ था, लेकिन बल्लेबाजी करने वाली टीम के यहाँ पर पकड़ा मुझे भारी नजर आता हुआ, उसे बॉल स्ट्राइक, ये लीजिए सामने की दिशा में बेहतरीन स्ट्रोक, हमने कहा था जब तक हुज़ैफ़ा मैदान के बीच में रहेंगे विकेट को छोड़िए, वेस्टर्न यूनाइटेड टीम यहाँ पर अपनी जीत अर्ज करती हुई, कांग्रेचुलेशंस।